हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। और आज मैंने रक्षाबंधन फेस्टिव मेकअप लुक क्रिएट किया है और यहाँ पे मैंने स्मोकी आई मेकअप किया है। बहुत ही इजी और सिंपल मेकअप है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको अपना फेस अच्छे से क्लीन करना है, देन आपको लगाना है मॉइस्चराइज़र। तो मेकअप करने से पहले मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। देन मैं अप्लाई करूँगी फेस प्राइमर। तो मैंने यहाँ पे कलर बार का फेस प्राइमर लिया है, बहुत ही अच्छा प्राइमर है ये, सिलिकॉन बेस्ड है और आपको एक स्मूथ फिनिशिंग देता है। आज मैं सीसी क्रीम से अपना मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे लैक्मे की सीसी क्रीम लिया है, क्योंकि मुझे अपना मेकअप ज़्यादा हैवी नहीं रखना है, बहुत ही सॉफ्ट और नेचुरल रखना है। क्योंकि जो रक्षाबंधन फेस्टिव है वो दिन में ही मनाया जाता है, तो दिन में ज़्यादा लाउड मेकअप करना अच्छा नहीं लगता है। तो आपको अपना मेकअप लाइट ही रखना चाहिए, चाहे आप फाउंडेशन लगाएं। लेकिन मैं आज सीसी क्रीम से अपना लुक क्रिएट कर रही हूँ। तो आपको स्पॉन्ज से इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। देन मैं अपने अंडर आई एरिया में कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ही हल्का मैंने लगाया है। जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको हाइड करने के लिए हम कंसीलर यूज़ करते हैं। तो आपको इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, अपने आईज़ के ऊपर लगा रही हूँ। और इस तरह से अच्छे से आप अपनी फिंगर से इसको टैप टैप करके लगा सकते हैं। अपने नोज़ एरिया, जो हाईलाइट एरिया हैं, उनको मैं कंसील कर रही हूँ। देन स्पॉन्ज से इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। तो मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने मेबलिन का कॉम्पैक्ट लिया है अपने सीसी क्रीम जो मैंने लगाई है उसको सेट करने के लिए। और इससे मेरा मेकअप वाटरप्रूफ हो जाएगा, वो जितना भी एक्सेस ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कॉम्पैक्ट लगाना है। और मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं क्रीज लाइन पर लाइट पिंक शेड या लाइट ब्राउन शेड आप ले सकते हैं, इस तरह से आपको लगाना है। ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ आप भी वही यूज़ करें, आपके पास जो है आप उससे भी अपना मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर इनर कॉर्नर पर डार्क ब्राउन ले रही हूँ। और मैंने यहाँ पर एक लिक्विड ग्लिटरी आई शेडो है, ये कुछ वाइन कॉपर शेड में है। तो बहुत ही इजी होता है इसको लगाना, अगर आप अपना मेकअप करते हैं तो आप इसको लगाइए, आपका आई मेकअप बहुत ही अच्छा उभर कर आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप इसको फिंगर से भी फैला सकते हैं या फिर ब्रश से भी, बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर है, बहुत ही स्मूथ, आप ये ईज़ली अप्लाई हो जाता है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप इसको ज़्यादा ब्लेंड भी ना करें, इसको बस फिंगर से आप थोड़ा सा इसको स्मच कर सकते हैं। देन मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है, अपनी क्रीज लाइन को मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ और जो मेरा नीचे शेड है उसको उसके साथ स्मच कर रही हूँ। देन मैंने सेंटर आई लिड पर एक पर्ल ग्लिटरी आई शेडो अप्लाई किया है, इसको मैं फिंगर की हेल्प से लगा रही हूँ। देन हमको लगाना है लाइनर, तो यहाँ पे मैं लैक्मे का लाइनर यूज़ कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे ज़्यादा मोटा नहीं लाइनर लगाऊंगी, बहुत ही पतला लगाना है। तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, आपको जैसे आपको पसंद हो। तो मैं बहुत ही पतला रखूँगी। देन लगाना है आपको मस्कारा, तो मैं इस तरह से मस्कारा लगा रही हूँ। आप पहले इसको डाउन वर्ड की तरफ आप इस तरह से अप्लाई करेंगे, देन आप इसको अप साइड में इस तरह से ब्रश को मूव करेंगे और आप नीचे भी इस तरह से लगाइए। बहुत ही अच्छा मस्कारा है ये, आपको जो आपकी लैशेस हैं इसको काफ़ी थिक और इसमें वॉल्यूम अच्छा बना देता है आपके आई लैशेस में।
तो बहुत ही सुंदर दिखती हैं। एंड मैं यहाँ पे अपनी आईब्रो को फिल कर रही हूँ एक पेंसिल से। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप जो आपका आई शेडो होता है मैट ब्राउन, आप उससे भी अपनी आईब्रो को फिल कर सकते हैं। एंड अप्लाई कर रही हूँ लैक्मे का काजल। अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक मेबलिन की है ये कलर शो ब्राइट मैट M306 बैलेंसिंग ऑरेंज। बहुत ही प्यारा शेड है। और देन आपको लगाना है ब्लशर, तो यहाँ पे मैं मेबलिन का ब्लशर यूज़ कर रही हूँ और इसका पिगमेंट काफ़ी अच्छा है। आपको बहुत ही लाइट हैंड से ब्लशर लगाना है और आपका जो ब्रश है उसको जब आप यूज़ करें ब्लशर में तो आप उसको थोड़ा सा डस्ट आउट कीजिए, देन आप अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे मैं ब्रॉन्ज़र यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को स्लिम दिखाने के लिए, तो मैं यहाँ पे अपने चीक्स बोन पर कंटूर करूँगी, देन अपने जॉ लाइन पे। आपके फेस में एक परफेक्ट शेप आपको मिल जाती है और आपका फेस काफ़ी स्लिम और बहुत ही शार्प लुक आपको मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है कंटूर करने से। मैं वैसे बहुत कम कंटूरिंग करती हूँ, तो यहाँ पे अपने नोज़ एरिया में आप इस तरह से कंटूरिंग कीजिए, अपने फोर हेड पे बहुत लाइट कंटूर में कर रही हूँ क्योंकि ये सॉफ्ट और नेचुरल मेकअप है, तो इसमें मैं ज़्यादा कंटूरिंग नहीं करूँगी। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर, तो ये रेवोल्यूशन का हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर आपको अपने चीक्स बोन पे, अपने नोज़ एरिया में, क्यूपिड बो, चिन एंड फोरहेड पे इस तरह से अप्लाई करना है और अपने आईब्रो के नीचे इस तरह से आपको लगाना है। देन मैं यहाँ पर मेकअप फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा स्प्रे है, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देता है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा रक्षाबंधन फेस्टिव मेकअप लुक अच्छा लगा हो। तो इस तरह से आप अपना मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आई मेकअप थोड़ा सा स्मोकी रखा है, आप चाहें तो सॉफ्ट भी रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो अपने हिसाब से आप मेकअप कर सकते हैं। आपको ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा सा लाउड कर सकते हैं, थोड़ा लाइट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।